अमेजोनियन हॉरर अमेजन वर्षावन के बीचों बीच एक जगह है जहां पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। हवा में नमी है और जंगल की आवाजें गगनभेदी गर्जना तक बढ़ जाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां बुरे सपने जीवंत हो उठते हैं। एक दिन पर्यटकों का एक समूह अमेजोनियन वर्षावन के निर्देशित दौरे पर निकला। वे विदेशी वन्य जीवन को देखने और जंगल की सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्साहित थे। हालांकि वे उन भयावहताओं के लिए तैयार नहीं थे जो उनका इंतजार कर रही थीं। टूर गाइड उन्हें घिसे पिटे रास्ते से दूर गहरे जंगल में ले गया। जल्द ही वे लताओं और पेड़ों की भूल भुलैया में खो गए। गाइड कहीं नजर नहीं आया। पर्यटक घबराने लगे। वे मदद के लिए पुकारते हुए घंटों तक जंगल में भटकते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सूरज डूबने लगा और जंगल और भी भयानक हो गया। अचानक उन्हें अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों का एक जोड़ा देखा। आंखें और भी करीब होती जा रही थीं। पर्यटक अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन उनका पीछा करने वाला तेज था। यह एक विशाल काले रंग का जीव था जिसके पंजे और दांत बहुत नुकीले थे। वह एक पर्यटक पर झपटा और उसके चीथड़े उड़ा दिए। अन्य पर्यटक डर के मारे चिल्लाने लगे और भी तेजी से भागने लगे। वे उस प्राणी को अपना पीछा करते हुए सुन सकते थे। उसकी पदचाप जंगल में गूंज रही थी। एक एक करके पर्यटकों को जीव ने पकड़ लिया और मार डाला। केवल एक पर्यटक बचा था। वह एक खोखले पेड़ में छिप गई इस उम्मीद में कि जीव उसे नहीं ढूंढ पाएगा। प्राणी ने उसे घंटों तक खोजा, लेकिन वह बहुत चालाक थी। अंततः प्राणी ने हार मान ली और चला गया। पर्यटक ने पेड़ से बाहर आने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि जीव चला गया है। वह अकेली थी और जंगल में खो गई थी, लेकिन वह जीवित थी। वह सभ्यता की ओर वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश में कई दिनों तक जंगल में भटकती रही। वह कमजोर और भूखी थी, लेकिन उसने आशा छोड़ने से इनकार कर दिया। अंत में वह एक नदी के पास पहुंची। वह जानती थी कि यदि वह नदी का अनुसरण करेगी तो यह उसे सुरक्षा की ओर ले जाएगा। वह नदी के किनारे घंटों तक चलती रही जब तक कि उसे कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई नहीं दिया। वह गांव की ओर भागी और थकावट से गिर पड़ी। ग्रामीणों ने उसे अंदर ले लिया और उसकी देखभाल की। उसने उन्हें उस प्राणी के बारे में बताया जिसने उसके दोस्तों को मार डाला था, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमेजोनियन वर्षावन में उस जैसा कोई जीव नहीं था, लेकिन पर्यटक को पता था कि उसने क्या देखा है। वह जानती थी कि वह प्राणी असली था। पर्यटक अंततः घर लौट आया, लेकिन वह अमेजोनियन आतंक को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि यह वहां था, अंधेरे में इंतजार कर रहा था।